तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस यदि आप भी अपने पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गए हैं और गाइस आपसे पता करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो गाइस पता कैसे कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि गाइस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में पेटीएम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड एक प्रोफाइल का ऑप्शन यूं मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते गए हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। फिर गाइस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गाइस यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते गए हमारे सामने वो सभी बैंक के शो करेंगी जो कि गाइस हमारे पेटीएम से लिंक है। गाइस तो यहाँ पर देखिए गाइस हमने जो जो भी बैंक यहाँ पर पेटीएम से लिंक करके रखी है वो सभी बैंक अकाउंट हमें यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो यहाँ पर आप कौन से बैंक का जो यूपीआई पिन है वो भूल गए और आप उसे पता करना चाहते हो उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गाइस नीचे की साइड चेंज पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि जब इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। गाइस तो यहाँ पर गाइस हमें अपना जो यदि गाइस आपको अपना जो ओल्ड पिन याद है तब तो गाइस आपको यहाँ पर आई रिमेंबर माई ओल्ड पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस आप इसे चेंज कर सकते हैं। पर गाइस आपको अपना जो ओल्ड पिन पता ही नहीं है, आप अपना ओल्ड पिन भूल गए हैं और गाइस आप यहाँ पर न्यू पिन यहाँ पर क्रिएट करना सेट करना चाहते हैं, तो गाइस आप कैसे सेट कर सकते हैं? तो इसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर गाइस आपका जो डेबिट कार्ड है उसका जो 6 डिजिट का जो लास्ट वाला नंबर है उसे तो गाइस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको अपनी जो डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी वैलिडिटी डेट है उसे यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस इन दोनों डिटेल्स को गाइस आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पर इन डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी जो डिटेल्स है उन्हें यहाँ पर फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। गाइस तो यहाँ पर देखिए गाइस हमें अपना जो न्यू यहाँ पर गाइस हमें अपना बैंक का एक ओटीपी आ जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को गाइस हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो न्यू जो 6 डिजिट का पिन है उसे यहाँ पर सेट कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं अपना जो न्यू जो 6 डिजिट का पिन है उसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारा जो न्यू 6 डिजिट का जो पिन है वो यहाँ पर सेट हो गया है। गाइस तो इस तरह से गाइस आपने ये पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गया तो गाइस आप उसे रिकवर कर सकते हैं। गाइस तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलोगे और वीडियो चलोगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइस।